हाल ही में हुए कर्नाटका इलेक्शन में कांग्रेस को जीत मिली है। इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कर्नाटका कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार का माना जा रहा है। डीके शिवकुमार कांग्रेस फैमिली के काफी क्लोज भी माने जाते हैं। 5 साल के बाद बीजेपी बड़े उलटफेर का शिकार हुई, इसका क्रेडिट उन्हीं को दिया जा रहा है। वो कांग्रेस के लिए सीएम पद के दावेदार भी हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार के साथ साथ कांग्रेस के ही सिद्धारमैया के बीच सीएम पद की कुर्सी की होड़ मची हुई है। डीके शिवकुमार को कर्नाटका का अगला सीएम बनाने की मांग उनके समर्थकों ने शुरू कर दी है और अब कांग्रेस आलाकमान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शिवकुमार को कर्नाटका के सीएम की कुर्सी पर बिठाती है या उन्हें किंग मेकर की भूमिका में रखती है या किसी और अहम भूमिका के लिए चुनती है। डीके शिवकुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कर्नाटका के सबसे अमीर नेता है। कर्नाटका के भीतर शिवकुमार को भारी समर्थन भी हासिल है, जिसका नतीजा हमें कर्नाटका इलेक्शंस में भी देखने को मिला। उनके समर्थक और चाहने वाले उन्हें सीएम की गद्दी पर बैठे हुए देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को जब भी फंड्स की जरूरत पड़ती है तो शिवकुमार वहां हमेशा खड़े रहते हैं, यानी वो एक तरीके से पार्टी के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाते हैं। डीके शिवकुमार की कुल संपत्ति, कैश, जमीनें, सोना, कारें और दूसरे एसेट्स की बात करें तो ये कुल मिलाकर अरबों में बैठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को दिए गए अपने चुनावी हलफनामे में डीके शिवकुमार ने घोषणा की है कि उनके पास कई बैंक अकाउंट्स, लैंड और बॉन्ड्स, गोल्ड एटसेट्रा, ये सारी चीजें हैं। डीके शिवकुमार की नेटवर्थ में पिछले 5 सालों में 68% का उछाल देखा गया है और यह आंकड़ा उनके ऑफिशियल इलेक्शन एफिडेविट से निकल कर सामने आया है। शिवकुमार के कुल एसेट्स और उनकी फैमिली की कुल संपत्ति को देखा जाए तो साल 2023 में ये 1,414 करोड़ रुपए है। साल 2018 में दी गई जानकारी के मुताबिक शिवकुमार के पास 840 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और ये 2013 के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ी है। इलेक्शन कमीशन को दिए गए एफिडेविट के मुताबिक डीके शिवकुमार के पास 12 बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें से कुछ उनके भाई डीके सुरेश द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किए जाते हैं, यानी कि जॉइंट अकाउंट्स हैं। कुल एसेट्स 1,414 करोड़ रुपए के हैं, साथ ही उनके लोन का अमाउंट 225 करोड़ रुपए का है। अब आपको ये भी बताते हैं कि उनके पास कारें कौन कौन सी हैं। तो डीके शिवकुमार के पास एक ही कार है जो कि टोयोटा है और उसकी कुल कीमत 8.3 लाख रुपीस है। उनके पास 970 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है और उनकी पत्नी उषा के पास 113.38 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके बेटे आकाश के पास भी अगर बात करी जाए तो 54.33 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास है। इस तरह डीके शिवकुमार के पास कुल 1,224.93 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं और उनकी पत्नी के पास 133 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और उनके बेटे के पास 66 करोड़ रुपए की संपत्ति है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के चंगुल में भी फंस चुके हैं। 104 दिन वो जेल में रहकर आए थे। हालांकि अब कांग्रेस उन्हें किंग मेकर बनाकर रखना चाहती है या सीएम पद सौंपेगी वो देखना होगा, लेकिन उन्हें कर्नाटका का सबसे अमीर नेता माना जाता है। अगर आप ऐसे ही नेताओं की नेटवर्थ जानना चाहते हैं और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो गुड रिटर्न्स के साथ आप जुड़े रहें। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें।